हेलो दोस्तों दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चार तार वाले सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है, इसके अंदर से टोटल चार तार निकाले गए हैं। दोस्तों, दो तार रनिंग के हैं, दो स्टार्टिंग के। जो लाल रंग के तार हैं ये रनिंग है, और जो सफ़ेद रंग के तार हैं ये स्टार्टिंग है। ये दोस्तों इस प्रकार है कुछ। एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टेटर लेता हूँ सीलिंग फ़ैन का। दोस्तों, ये जो बड़े वाली वाइंडिंग है बाहर वाली, ये होती है हमारी रनिंग, और ये अंदर वाली जो वाइंडिंग है छोटी, ये होती है हमारी स्टार्टिंग। इसी प्रकार है दोस्तों, इसके अंदर है जो ये सफ़ेद तार हैं ये स्टार्टिंग के हैं, और जो लाल तार हैं ये रनिंग के हैं। तो दोस्तों, हम इसके कनेक्शन इस प्रकार करेंगे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का तार लेंगे, इसको एक जगह जोड़ देंगे, और ये हो गई हमारी कॉमन। दोस्तों, अब हम एक कैपेसिटर लेंगे 3.25 MFD का, जो बचे एक एक वायर रनिंग और स्टार्टिंग के साथ इसको लगा देंगे। दोस्तों, अब हम इसको लाइट के तार देंगे, जो हमने कॉमन बनाई है रनिंग और स्टार्टिंग के, एक एक बार इसके साथ हमने लाइट का तार जोड़ेंगे, और दूसरा लाइट का तार हम अपनी रनिंग की वाइंडिंग को देंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर किसी वजह से चक्कर उल्टे हो जाएं, तो ये रनिंग वाइंडिंग के दो वायर हैं लाल लाल, इनको आपस में चेंज कर देंगे। ये वाला खोलकर यहाँ लगा देंगे और ये वाला यहाँ लगा देंगे, इससे हमारे चक्कर सीधे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी जानकारी पाने के लिए आपके अपने चैनल एस इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।